हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर मॉडुलर किचन। आज की इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट में ही देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी किचन को मॉडुलर किचन बना सकते हैं और कैसे हम मॉडुलर किचन वर्ड को एक्चुअली में मॉडुलर समझते हैं। लेट्स गो। आइए सबसे पहले हम बात करें तो ये है हमारी यू टाइप की किचन, जहाँ पे आपको एक नॉन सर्विसेबल आपको स्लैब मिलती है, जहाँ पे आपको एक पार्ट के अंदर प्रॉपर हॉब और चिमनी का एक पार्ट मिलता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक लेफ्ट साइड के अंदर आपका वॉशिंग एरिया भी मिलता है, जहाँ पे आपका सिंक और डिशवॉशर का पार्ट भी दिया हुआ है। ये थी एक शॉर्ट ब्रीफ किचन। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको किस तरीके से हमने मॉडलर बनाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइलिंग की। तो टाइलिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो प्रॉपर बड़े साइज़ की टाइल ना लगा के, या तो सिर्फ एक कलर की टाइल को यूज ना करके, हमने दो कलर्स को आपके छोटे छोटे पार्ट्स में काइट स्टाइल के अंदर यूज करके इस टाइलिंग की भी हाफ पे ही, सबसे पहले टाइलिंग से ही, फ्लोरिंग से ही आपके इस स्टाइल को, इस किचन को आपको मॉडल बनाया। फिर हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो इसके अंदर हमने सब चीज़ें दी हुई हैं आपकी, आपका माइक्रोवेव ओवन भी दिया हुआ है, बेकरी यूनिट भी दी हुई है, ओवन यूनिट भी दी हुई है। तो इस पार्ट के अंदर आपकी हर एक यूनिट जो है आपके एक स्पेस के अंदर डाली हुई है, जिससे आपकी जो स्लैब है उसका स्पेस ना गिरे और एक अलग से एक अच्छी तरीके से उसे यूज़ कर सके नीट एंड क्लीन तरीके से। फिर हम बात करते हैं इसके स्पेस की। तो अपर पार्ट में वाइट कलर को यूज़ करके, हल्की सी शाइनिंग ग्लॉसी सनमाइका को यूज़ करके, एक अच्छे खासे शोकर की क्वालिटी को यूज़ करके, अच्छे खासे चैनल के पार्ट को यूज़ करके किस तरीके से इसकी स्मूथनेस को, इसके लुक को एनहेंस किया हुआ है। तो ये आपकी चीज़ों को मॉडुलर किचन बनाता है। हम बात करते हैं इस वाले यूनिट की। तो प्रॉपर इस तरह की चैनल को, नॉर्मल हैंडल यूज़ ना करके, इस तरह के सी टाइप के चैनल को यूज़ करके हैंडल बना के कैसे आप अपने किचन को थोड़ा सा मॉडुलर बना सकते हैं, ये आपकी किचन को मॉडुलर बनाता है। सेकेंड हम बात करते हैं इसकी इसकी स्पेस की। तो कैसे हम अपनी किचन के स्पेस को चुरा सकते हैं, जहाँ पे आपकी नॉन सर्विसेबल स्लैब है वहाँ की उसकी वॉल को, ये बेसिकली आपकी 24 इंच की लेंथ होती है, वहाँ पे कैसे आप अपने स्पेस को चुरा सकते हो, ये जो डिज़ाइनिंग है ये आपको बताती है। यहाँ पे आप अपने सारी स्मॉल यूनिट्स रख सकते हैं और उसके बाद इसको इस तरीके से क्लोज करके एक हाइड कर सकते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें आपकी किचन को मॉडुलर किचन बनाती है। फिर हम बात करते हैं इसके वेंटिलेशन के पार्ट की। तो अच्छे खासे विंडो के साइज़ को वुडन पार्ट में यूज़ करके कैसे हम अपनी किचन में जो धुआं बेसिकली रहता है, या फिर ये प्रोस्पेक्टिव रहता है कि आपका जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो स्मेल जा रही है बाहर की तरफ, तो वो भी आपको अवॉइड करता है अच्छे खासे स्पेस की आपकी वो UPVC विंडो को वेंटिलेशन प्रोस्पेक्टिव पे देख के यूज़ करके। उसमें थोड़ा सा ओवर एड ऑन करते हैं तो चिमनी का पार्ट भी आ जाता है, जहाँ आपकी विंडो से वो बहुत क्लोज है तो आपकी चिमनी की एफिशिएंसी मोर क्लोज टू 98% के आसपास हो जाती है। वहीं पे हम बात करें तो अच्छे खासे साइज़ का 4 बर्नर का होम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फिर हम बात करें अगर स्लैब की, तो स्लैब के अंदर भी फुल बॉडी नैनो का पत्थर यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे आपकी किचन की क्वालिटी को, आपकी किचन की लुक को यही चीज़ें आपकी मॉडुलर बनाती हैं। फिर हम बात करते हैं चैनल यूनिट्स की। तो चैनल यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो हर तरह की कटलरी का प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टिव ध्यान दिया हुआ है, और नॉर्मल हैंडल को यूज़ ना करके सी टाइप के चैनल को यूज़ करके आपकी किचन को थोड़ा सा और मॉडुलर की तरफ ये लेके जाता है। फिर हम बात करते हैं वॉशिंग एरिया की। तो वॉशिंग एरिया के अंदर आपके ग्रेनाइट सिंक को यूज़ करके, जैगुआर यूनिट की आपके टैप को यूज़ करके, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपका डिशवॉशर को यूज़ करके, उसकी प्लेसमेंट यूनिट बना के, उसकी एक अच्छी खासी लोकेशन को डेडिकेट करके किस तरीके से इस किचन को, या आप अपनी किचन को भी हर एक यूनिट की लोकेशन को डेडिकेट करके कैसे आप मॉडुलर बना सकते हैं, ये आपको मॉडुलर की तरफ थोड़ा सा और करीब लेके जाता है। उसकी बात करें वॉल की, तो वॉल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग ना करके आपकी नॉर्मल लाइट्स लगा के, और उसके बाद एक अच्छे खासे प्रोफाइल लाइट को सिर्फ नॉर्मली अपनी सीलिंग पे यूज़ करके कैसे आप नॉर्मल किचन को मॉडुलर किचन की तरफ लेके जा सकते हैं, ये भी एक यूनिट पे दिखाता है। तो ये थी हमारी मॉडुलर किचन, जहाँ पे आप अपने किचन को मॉडुलर सिर्फ नाम से नहीं, उसके यूजेबिलिटी के हिसाब से भी मॉडुलर बना सकते हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।